लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। संभल के, इतनी रात गए ऐसे भयानक जंगल में तुम लोग कैसे? बाबा हम रास्ता भटक गए, लेकिन आप अकेले इस जंगल में? बेटी, एक अंधे के लिए क्या जंगल और क्या शहर। वैसे मेरा एक पोता है, गांव गया हुआ है। तुम लोग काफी भीग गए हो, जल्दी से कपड़े बदल लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। लेकिन कपड़े यहीं कहीं हैं, देख लो। बेटी, ये जो तुम्हारे साथ हैं जी, ये समझ गया बेटी, समझ गया। पति का नाम नहीं लेते। पति? बहुत अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे। अच्छा, अब जल्दी से अपने कपड़े बदल लो और इसके भी बदल दो। इसके भी? हरिओम, हरिओम, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। कुछ नहीं बाबा, वो मैंने इसके कपड़े उतार दिए। बहुत अच्छा किया बेटी, अब देख लो बुखार वगैरह तो नहीं है। बुखार है बाबा। तो एक काम कर बेटी, सामने खिड़की में जो पौधा है उसके पत्ते तोड़ ला। बाबा, हाँ? मैं होश आ गया बेटे, शुक्र है। सारी रात जाग कर बहुत सेवा की है तुम्हारी पत्नी ने। पत्नी? बाबा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? गीले हो गए थे ना बेटे। अच्छा? उसी ने रख दिए होंगे कहीं उतार। सारे के सारे कपड़े उतार दिए, नंगा कर दिया। कोई बात नहीं बेटे, कंबल लपेट लो। कंबल ही तो है, वो है कहाँ? भाग तो नहीं गए मेरे कपड़े लेकर? अरे नहीं बेटे, वो तो तुम्हारे लिए प्रार्थना करने मंदिर गई। मंदिर? नमस्ते जी। सॉरी फाई, मेरा मतलब मैं मंदिर पहली बार आई हूँ ना। वो क्या है कि बादल बहुत अच्छा लड़का है गॉड, उसे ठीक कर दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं उसे कभी तंग नहीं करूंगी, लेकिन आप भी उसे अच्छी बुद्धि देना, बहुत परेशान करता है मुझे। सरफिरा, एरोगेंट, स्टूपिड, इडियट। सॉरी गॉड, मैं तो, मेरा मतलब पहले तो मैं उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन आप, यू नो एवरीथिंग। सॉरी बादल, बादल, मेरा दिल कहता है वो रास्ता ठीक है, और जब भी मेरा दिल कहता है, दिल कहता है, तुम्हारी इसी दिल ने हमें 3 बार गलत रास्ता दिखा दिया।
कभी पैर दुखता है कभी पेट दुखता है। मुझे लगता नहीं तुम्हारा कोई इरादा यहाँ से बाहर निकलने का। तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? अभी अभी तो हटके हैं, जरा बैठ के चलते हैं। मैं तो कहता हूँ भाग के चले तो अच्छा है, वरना दुश्मन न जाने कब क्या कर बैठे। भला उस बाबा का जिसने रात भर मेरी सेवा की, ठीक किया मुझे। ये तुम्हें किसने कहा कि बाबा ने तुम्हें ठीक किया? अरे बाबा ने खुद कहा मुझसे। मैं तो उस महापुरुष के पांव छूकर आशीर्वाद लेके निकला हूँ, क्या तुमने उनका आशीर्वाद लिया? बुढ़ा, खूसट बुढ़ा, अंधा बुढ़ा, झूठा बुढ़ा। ज्यादा बोलना नहीं है, जान बचाई उन्होंने मेरी। भगवान करे मेरे दुश्मन की उम्र होने लग जाए। दुश्मन की उम्र होने लग जाए? अगर ये दुश्मन नहीं होती तो तुम उसी भगवान के पास होते। कि क्या मतलब? मैंने तुम्हारी सेवा की, मैंने तुम्हें ठीक किया, मैंने तुम्हें दवाई लगाई, मैंने तुम्हारे कपड़े बदले। मैंने की कल रात सब कुछ? हाँ हाँ, और कौन करता, एक मैं ही तो थी। और तो और आज मैं पहली बार मंदिर जाकर तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करके आई। झूठ, बिल्कुल झूठ। कैसा झूठ? सफेद झूठ। मैंने रंग नहीं पूछा। मैं जानता हूँ, मगर तुम्हारी बात नहीं मानता। कैसे नहीं मानते? अरे नहीं मानता। कैसे नहीं मानते? क्यों मानूं? क्यों नहीं मानोगे? अरे भाई क्यों मानूं? क्यों नहीं मानोगे? मुझे नहीं मानना। मानना होगा। अरे भाई नहीं मानना। मानना होगा। अजीब जबरदस्ती है, कल तक तो सांप डंडा। वो सब तो कल था, तुम झगड़े मैं झगड़ी, तुम बिगड़े मैं बिगड़ी, लेकिन आज तो प्यार करती हूँ। बात प्यार की है, प्यार से कहो ना। धत नहीं कहती। बादल और टीना, सांप और नेवला साथ साथ, हाथ में हाथ, अति विचित्र। ए बादल टीना, भैया क्या हम चलने के नहीं? यही रहने का इरादा है तो हम चले जाएं। नहीं यार। नहीं नहीं, हम तो चिड़िया देख रहे थे। बोलो ना। हाँ चिड़िया देख रहे थे। तो बूशी, तेरी खुशी का क्या होगा रे? बूशी को अपनी खुशी के लिए कुछ करना पड़ेगा। मॉर्निंग डैडी। मॉर्निंग। नमस्ते अंकल। अरे बेटे तुमने क्यों तकलीफ की, नौकर है घर में बेटे। हर काम नौकरों पर थोड़ी छोड़ना चाहिए, खुद भी तो कुछ करना चाहिए। लीजिए आज मैंने पहली बार चाय बनाई। वेरी गुड। मगर बेटे। मगर क्या अंकल, घर का काम काज सीख लूंगी तो कल मेरे ही काम आएगा ना। लीजिए। कुछ समझे अब रॉय, लड़की सियानी हो गई है। अंकल। टीना शर्मा गई। टीना। अरे टीना टीना क्या कर रहे हो, उसके हाथ पीला करने की तैयारी करो। मेहरा, जब से टीना पिकनिक से आई है कुछ बदली बदली से नजर आ रही है। बादल, बहुत पुरानी कहावत है पहाड़ों की। पहाड़ों की छोड़ यार, शहर की बोल। बोलना नहीं है, करना है। खत लिखकर बाबा को बुलाना है। अरे बाबा भी आकर क्या करेंगे? हाँ शादी के लिए तो बहुत समय पड़ा है। हा? अभी तो प्यार का दौर चल रहा है डमरू, प्यार का दौर। मगर ये दौर कब तक चलेगा? बादल कल तेरा जन्मदिन है, अरे क्यों उसे अपना आखिरी जन्मदिन बनाने पर तुला है? देख तू ये बड़े लोगों को नहीं जानता, बहुत खतरनाक होते हैं ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ये सब क्या है हा? इतनी रात गई तुम यहाँ? अब जाना, दरवाजा बंद करना। टीना तुम भी हद करती हो, क्या मजाक है ये? हैप्पी बर्थडे बादल। वो तो कल है। और कल आज रात 12 बजे से शुरू हो गया। टीना तुम एकदम पागल हो, पागल। क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलो ना क्या हुआ? नहीं वो चंपा याद आ गई। चंपा? ये चंपा कौन है? थी एक लड़की गांव में, पास में रहती थी। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? तो नहीं, तुम चंपा के बारे में बोल रहे थे। हाँ वो मेरा जन्मदिन था उस दिन, ये रात के 12 बजे थे, घुसाए मेरे कमरे में। जैसे मैं आई हूँ? नहीं तुम तो दरवाजे से आई हो, वो तो खिड़की से आई थी। खिड़की से? लेकिन मेरे घर में खिड़की तो। खिड़की छोड़ो, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, पास आकर बैठ गई। पास? जैसे मैं बैठी हूँ? नहीं तुम तो बहुत दूर बैठी हो, वो तो एकदम पास नजदीक लग कर बैठी थी। लग के? डैडी को क्या बोलकर आई हो तुम? वो घर पर नहीं थे। अच्छा फिर क्या हुआ? क्या क्या हुआ? चंपा। अच्छा चंपा, चंपा पास आकर बैठ गई लग के। हाँ लग कर बैठी थी, बस देखती रही मुझे।
मैं भी देखता रहा। तुम भी देखते रहे? वो क्या है ना, उसकी खूबसूरत आंखें थी और बाल भी जरा लंबे थे। खैर रात गई बात गई, छोड़ो। बात क्या हुई? कुछ भी तो नहीं, बस मुबारकबाद दी और पप्पी ले ली। पप्पी ले ली? पापी, दोस्त, झूठे। अरे मेरी बात तो सुनो, छोटी सी बच्ची थी 5 साल की, वो गोद में खिलाया उसे मैंने, मेरे मास्टर की बेटी है वो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे बात कौन करना चाहता है। है कोई सबूत, है कोई गवाह जो तुम्हें बेकसूर साबित कर सके? हमारे कॉलेज का नाम और इज्जत मिट्टी में मिला दी इस छोकरे ने। बोलो बादल, तुम्हारी खामोशी तुम्हें कसूरवार साबित कर रही है। ये झूठ है सर, झूठ है। मुझ पे झूठा इल्जाम लगा जा रहा है सर, मैं बेकसूर हूँ सर। बकवास, बहुत सुन ली तुम्हारी। जब लड़की ने शोर मचाया तमाम लड़के नीचे आ गए थे सिवाय तुम्हारे, कहां थे उस वक्त? खामोश क्यों हो, जवाब दो। जवाब होगा तो देगा ना, इसकी खामोशी इस बात का सबूत है कि कसूरवार है। सोच कह रहे प्रिंसिपल साहब, पनिश हिम। जवाब दो बादल, तुम्हारी जैकेट लड़की के पास कैसे मिली? ये तो मैं नहीं जानता सर, शायद किसी ने मेरी जैकेट। ये शर्मनाक वारदात, ये गिरी हुई हरकत इस बात का सबूत है कि पहाड़ों और जंगलों से आए तुम जैसे जंगली की परवरिश जरूर गरीबी की गंदगी में हुई है। एक्सक्यूज मी सर, आदमी के विचार और हरकतों का शहर या जंगल से कोई संबंध नहीं होता और ना ही अमीरी गरीबी से कोई वास्ता। बहुत पुरानी कहावत है हमारे पहाड़ों की। खामोश हो जाओ, नहीं तो देख रहे हैं हम, देख रहे हैं इस बददिमाग की बदतमीजी। इसे फौरन कॉलेज से निकाल देना चाहिए। हाँ हाँ, इसे कॉलेज से निकाल देना चाहिए। सोच क्या रहे प्रिंसिपल साहब, रस्टिकेट हिम इमीडिएटली। ये सब झूठ है, ये झूठ है। कल रात तो बादल के साथ मैं थी। तुम्हें आखिरी मौका दिया जाता है अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए। मैं बेकसूर हूँ सर, मैं बेकसूर हूँ। अपने आप को सिर्फ बेकसूर कहने से कुछ साबित नहीं होता। बोर्ड के मेंबर्स का ये फैसला है कि कॉलेज से तुम्हें। एक्सक्यूज मी सर, बादल, बादल बेकसूर है सर, बादल बेकसूर है। टीना, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, सच है डैडी। बादल, बादल बेकसूर है डैडी। टीना, तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। जस्ट अ मिनट, तुम कैसे कह सकती हो कि ये बेकसूर है? कल रात उस घटना के वक्त मैं बादल के साथ उसके कमरे में थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ डैडी। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है मुझे बचाने के लिए सर। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आज बादल का जन्मदिन है और कल रात 12 बजे मैं उसे बधाई देने उसके कमरे में गई थी। लेकिन कल रात तो ये हॉस्टल से गायब था। हम हॉस्टल में ही थे, लेकिन जब हॉस्टल में शोर हुआ हम घबरा गए। इससे पहले कि कोई मुझे देख लेता हम पीछे के रास्ते से निकल गए। बादल मुझे घर छोड़ने आया था सर। क्या नाप शनाप पक रही हो तुम? एक दो कौड़ी के लड़के के लिए तुम अपने बाप की बेइज्जती करना चाहती हो? डैडी, ये बादल की जिंदगी का सवाल है। चुप रहो टीना, बेवकूफ लड़की है ये, नादान नहीं जानती कि उसे बचाने के लिए क्या क्या कही जा रही है। आप खुद ही सोचिए, कोई भी खानदानी लड़की आधी रात को किसी लड़के कमरे में नहीं जाएगी, चाहे वो लड़का उसका कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो। और फिर इस जंगली से इसका रिश्ता ही क्या? मैं इसे प्यार करती हूँ, इससे प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ। I love him. अगर ये सच है तो बादल ने तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया? ये भी मुझसे प्यार करता है। Well, that's it, gentlemen. Please. क्या किया है डैडी? प्यार कोई पाप तो नहीं? खामोश।
जरूर ये सब उस भिखारी ने सिखाया होगा तुम्हें। इनफ डैडी, बादल हम जैसा अमीर ना सही, लेकिन वो एक शरीफ, ईमानदार, खुददार इंसान है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं डैडी, शादी करना चाहते हैं। इसमें इसमें गलत क्या है? गलत है, तुम्हारा ये सोचना ही गलत है। तुम्हारी अच्छाई बुराई, तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं बच्ची नहीं हूँ डैडी, सब समझती हूँ, अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती हूँ। अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती हो? तुम्हारी जिंदगी? हाँ। I'm sorry, टीना। लगता है हम अपनी हद से कुछ ज्यादा ही गुजर गए। भूल गया था कि मैं तुम्हारा सौती लवर। डैडी। No, don't call me daddy. क्योंकि मैं तुम्हारा डैडी नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी माँ का पति हूँ। उसके गुजर जाने के बाद तुम्हारे रुपए पैसे तमाम जायदाद का केयर टेकर हूँ, एक एक देखभाल करने वाला मैनेजर। तुम्हारी माँ का एक सपना था तुम्हारी शादी एक ऊंचे खानदान में हो, मगर अब खैर अच्छा हुआ एक आध महीने की तो बात है, तुम 18 बरस की हो जाओगी। तमाम रुपया पैसा धन दौलत ये जायदाद सब तुम्हारे नाम हो जाएगा टीना। अब तुम इस काबिल भी हो गई हो, सबकी जिम्मेदारी अब खुद संभालो। God bless you, बेटे। नहीं डैडी, ऐसा ना बोलिए, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। I'm sorry, डैडी। I'm sorry। नहीं, रो नहीं टीना, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं रहा। नहीं डैडी, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। आप ही को तो सब देखना है, मेरी अच्छाई, मेरी बुराई, मेरी खुशी, मेरी जिंदगी, ये सब आपकी जिम्मेदारी। हम जो चाहे मैं करूंगी, आप मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए। अगर तुम वाकई ये सब दिल से कह रही हो तो मेरी बात गौर से सुनो, मैं अपने जीते जी तुम्हें भटकने नहीं दूंगा। तुम बादल से नहीं मिलोगी डैडी। अगर उसने तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो मैं उसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा। भीमराव, ख्याल रहे किसी भी तरह की भूल ना होने पाए, बादल टीना से नहीं मिलेगा। अगर वो मिलने की कोशिश करे तो उसके हाथ पांव तोड़ दो।